मैंने नहीं बोला था, पापा ने बोला था ग और ज। तब तक खुल जाएगी क्या बता? तब तक तो खुल जाएगी। कोई बात नहीं, जीते नहीं जीते। तो गाइस मेरा ना पोपट हो चुका है, मैं बहुत दिनों बाद गौशाला में जाने वाली थी। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला स्वागत है आप सभी का मयंक भूमि ब्लॉग्स में। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि कल से ना यहाँ बारिश भी हो रही थी और रोड ब्लॉक भी हुई थी, तो थोड़ा बहुत ना यहाँ नेट भी चले गया था। और कल रात ना यहाँ बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हुई है और यहाँ तो गधेरे वगैरह भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो अभी का मौसम है ना वो भी बादलों वाला हो रखा है, अभी देखो चारों ओर से घने घने बादल दिख रहे हैं। तो गाइस घूमने से आने के बाद हमने नाश्ता भी कर लिया है, बाकी मौसम ना थोड़ा बहुत खुल जैसा चुका है और थोड़ी बहुत धूप भी आने लगी है पार साइड को, हमारे गांव में तो आई नहीं है अभी। बहुत दिनों बाद ना अच्छा जैसा मौसम हुआ है, तो मैं आपको सबसे पहले मौसम ही दिखाती हूँ। दोस्तों आज मम्मी जा रही है नामकरण में, मतलब मेरी सासू माँ जा रही है नामकरण में। मम्मी को ना वो पार जाना है, ऊपर डना बोलता है वहाँ जाना है, तो किसका नामकरण है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। हमारी ननद है ना भावना, उनकी बेटी हुई थी, तो उन्हीं के नामकरण में आज जा रहे हैं मम्मी लोग। मम्मी ना भावना की ताइजी लगती है, तो मम्मी कल मार्केट गए थे और मार्केट से ना ये सामान लेके आए थे, दलिया भी लाए थे और इसमें ना ये बेबी का प्रोडक्ट है जो यूज करते हैं, और इसमें धागुले चांदी के, और ये है बेबी के कपड़े, और ये बेबी की मम्मी के लिए सूट, और ये बेबी का कंबल, और ये गद्दा। तो मम्मी ना इसको सर में रख के ले जाएंगे, बाकी अब मम्मी को तैयार करते हैं, फिर दिखाएंगे आपको मम्मी का फुल लुक। फाइनली मम्मी तैयार हो गए हैं और डलिया भी सर में रख लिया, बाकी इसमें ना दुकान से और सामान भी डालना है। और मम्मी का लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मम्मी ने डलिया में सारा सामान डाल लिया है, बाकी मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं मम्मी को स्कूटी में छोड़ने के लिए और ढेंडर तक, और वहाँ से आगे भी थोड़ा बहुत छोड़ने जाएंगे और ये आगे को ब्लॉग यही कंटिन्यू करेंगे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे रोड थोड़ी खराब हो रखी है, तो देखो यहाँ पे कितना गंदा हो रखा है। तो अभी तक कोई बुलडोजर वगैरह आई नहीं है और लोग यहाँ पे ऐसे इंतजार कर रहे थे। कब से रुके हो, कितना टाइम हो गया? तब तक खुल जाएगी क्या बता? तब तक तो खुल जाएगी। तो मतलब ना मेरी स्कूटी ना पहाड़ ना बाहर निकालने में मदद की इन्होंने, वो जो वहाँ पर है भाई लोग। बाकी आप चलते हैं, मम्मी को पहुंचा के आते हैं। पहुंच चुके हैं हम अपने लोकेशन पर। अब यहाँ से थोड़ा पैदल है, मतलब बहुत दूर है यार, पैदल थोड़ा भी नहीं है, तो मैं थोड़ा मम्मी को छोड़ के आता हूँ आधे रास्ते तक। मतलब मम्मी दे मेरे को दे। ये भांजा का डलिया सिर में रख के जैसे वो जाता है, क्या कहते हैं, क्या जाता है, वसुदेव की तरह डलिया सिर में रख दिया उसने। तो गाइस ना मम्मी ना यहाँ से बहुत मतलब पहले जाएगी, बहुत दूर जाना है, अभी चढ़ाई भी है, तो आधे रास्ते तक मैं छोड़ के आ जाता हूँ, फिर मम्मी ले जा लेगी वहाँ से। चलो मैंने हेलमेट भी नहीं खोला है, क्योंकि ना मेरी डिक्की में हेलमेट नहीं आता है स्कूटी के, और हाथ से भी कैसे पकड़ूं, तो मैंने सर पे रखा हुआ हेलमेट। तो गाइस छोड़ के आता है मम्मी को ऊपर तक, और ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा बहुत रास्ते भर में, क्योंकि भारी है भाई। आज तक तो बनाऊंगा, क्योंकि आज तक ना नीचे रोड ख़राब हो रखी है, वो दिखाऊंगा अगर खुला, अगर तब तक ना खुले तो। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है यहाँ से, यही तक आ रहा है मेरे को छोड़ने, अब यहाँ से घर जा रहा है, क्यों भाई नामकरण में नहीं जा सकता है इसलिए नहीं आ रहा है, यहीं तक आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए आया, अब जाएगा घर, फिर शाम को मेरे को लेने आएगा। तो गाइस अपना नज़दीकी यहाँ से मतलब अब सीधा सीधा है, जितनी चढ़ाई थी मैंने कवर कर दी डलिया लेकर, तो अब चलता हूँ घर, अब शाम को लेने आऊँगा मम्मी को। बाय भाई साहब, रास्ता इतना ख़राब है ना यार, अभी पैदल रास्ता चलने भी आफत आ रही इसमें, और नीचे गिरे तो सीधा नीचे ही पहुँचेंगे खाई में, तो संभल के चलना पड़ेगा।
देखो सामने रहा हमारा गांव और ऊपर साइड को कर्मी का इलाका और इससे ऊपर बदिया कोड वगैरह आता है। और इधर देखो कितने मस्त सीढ़ीदार खेते हैं, इधर वहाँ पर थोड़ा सा ढाबा है और वहाँ पर गाड़ियों का स्टेशन। और जो ऊपर गांव दिख रहा है ये थदीदार हो गया, तो यहाँ भी लोग पैदल जाते हैं भाई, हमारे वहाँ पर से इधर पैदल जाते हैं इतने दूर। तो ऐसा है भाई पहाड़ों का हाल, और रोज़ बारिश हो रही है। आज थोड़ा मौसम खुला है और बादल देखो कितने मस्त लगे ना पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों में हर जगह ये वाले पौधे मिल जाएंगे आपको, और अगर आपको पानी प्यास लग रही है ना तो आप इनको खा सकते हो। मतलब बहुत केयरफुली होकर खाना पड़ता है कि इसमें कांटे होते हैं। कई लोग बोलेंगे कि तुम क्यों नहीं गए, उसका रीज़न तो मम्मी ने बता दिया था आगे ही, बट लेकिन इस रीज़न से भी नहीं गया मैं, क्योंकि भूमि अकेले ना घर पर तो उसका हाल बताना पड़ता है थोड़ा काम काज में। और आज मैं दुकान अभी नहीं गया क्योंकि ना रोड ख़राब है और नीचे से एक गाड़ियाँ भी नहीं आई अभी तक, तो नीचे रोड ख़राब हुई होगी जहाँ पे हमेशा होती रहती है। तो लो जी मैं पहुँच गया रोड पे और अपनी स्कूटी वहाँ पर है, बाकी सारी गाड़ी वाले भी आ गए भाई, नीचे भी रोड जंप ब्लॉक है भाई एक जगह पर। तो ये रहा वो ढाबा जिसकी बात मैं कर रहा था। तो यहाँ पर क्या बन रहा है अभी? अच्छा अभी बन रही है मैगी अंडा बन रहा है यहाँ पर, इसके बाद बनेगी चाउमीन और समोसे भी बन रहे हैं भाई गर्मा गर्म। कल से लगातार बारिश थी और अचानक धूप आने पड़ना, गर्मी नहीं तेज़ हो रही है क्या ही बताऊँ भाई, ज़्यादा पसीना हो गया मुझे, क्योंकि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि भाप बन के आ रहा पानी नीचे, तो उससे बाकी उमस टाइप की हो रही है। और ये कुछ पहाड़ी कुत्ते, हेलो। चौमिन बनने में टाइम लग रहा है, तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं और तब तक आप यहाँ का ना टाइम लैप्स इंजॉय करो। तो दोस्तों मैं जाने लग गया हूँ घर और मैंने चौमिन भी पैक करवा ली यहाँ से, अब चलता हूँ घर की ओर। आई डोंट नो कि अभी तक रोड खुली है नहीं खुली है, वहीं जाके पता चलेगा। तो चलते हैं नीचे को। मेरे हस्बैंड जी भी ना मम्मी को पहुंचा के घर आ चुके थे और आज का दिन का लंच ना जेठ जी ने बनाया था। अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के 4 बजे। तो गाय को ना घास डालने का टाइम हो गया है और मम्मी लोग तो आए नहीं हैं, तो आज मैं जाती हूँ बहुत दिनों बाद गौशाला में। आजकल लगातार बारिश हो रही है तो मेरे हस्बैंड जी का ना दुकान जाना भी बंद हो रखा ना। अलर्ट आया ना आजकल, अलर्ट भी आया 26 तारीख तक। और अभी हम पहुंचने वाले हैं गौशाला के पास में। तो गाइस मेरा ना पोपट हो चुका है, मैं बहुत दिनों बाद गौशाला में जाने वाली थी बट वहाँ पे ना बगल में आंटी रहती है तो उन्होंने सब कुछ डाल दिया था, गाय को धुआं भी लगा दिया था और घास भी डाल दिया था। मेरे हस्बैंड जी तो पहले आ चुके थे लेकिन मैं आराम से आई। क्यों क्या खा रहे हैं यहाँ पे चोरी चोरी? इनको ना दुकान में बैठाना ही नहीं हुआ, ये बहुत चीज़ें खा देते हैं कंट्रोल नहीं रहता ना मुँह पर। तो शायद अब तो मम्मी लोग भी आने वाले होंगे ना, दिख रहे थे ना। तो क्यों बोला? हाँ लगा मेरे को। अच्छा तो गाइस मम्मी भी आ चुके हैं नामकरण से और अभी पूछेंगे ना क्या नाम रखा है। आज हमने दिन में सोचा था कि हमने वर्ड बताए थे कि इस नाम से नाम रखा होगा करके, तो अब मम्मी से पूछते हैं क्या नाम रखा। होशे आया है। होशे? मैं जीत गया। होशे तो दने बोला था। उन्होंने किसे बोला था? इन्होंने वाई से, वाई के बोला, और लॉ से बोला था इन्होंने। और पापा ने गौ दिया है, मैंने नहीं बोला था, पापा ने बोला था गौ और जौ। और जीते तो नहीं जीते। मैंने लो बोला ना। हाँ। मुझे लग जाता है ना। सौशे बोल रहे हैं। अच्छा शाम हो चुकी है और मम्मी बिना आ गए थे, तो अब मैं सब्जी काटने लग गई हूँ। और आज सब्जी काट रही हूँ मैं पहाड़ी आलू, तो इतने छोटे छोटे से आलू हैं और इनको बिना छिले मैं काट रही हूँ, उसके बाद धोएंगे। पहाड़ी आलू जो होते हैं ना इनको बिना छिले ही ज़्यादा टेस्ट आता है, छिलके उतना टेस्ट नहीं आता।